डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने बड़े सवाल खड़े किए, जिनके पदाधिकारियों ने कहा कि अभी तक विश्वविद्यालय के छात्रों को मार्कशीट भी नहीं मिली है। ऐसे में पदक वितरण संदेश के घेरे में है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रभावशाली ढंग से लागू की जा रही है और उनके शिक्षा स्तर में काफी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय को शायद इससे कोई सरोकार नहीं है, जिसने इन सबको दरकिनार कर दीक्षांत समारोह आयोजित कर लिया, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने जिस पर आपत्ति जाहिर की है और एक साथ कई सवाल उठाए हैं। आज प्रेसवार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज राज्यपाल महोदय जो आई थी पदक बांटने के लिए, पहली बात तो जो पदक का रिजल्ट निकला है नहीं निकला, इसका कैसे पता, क्योंकि बच्चे अंक तालिका के लिए अभी भी परेशान हैं, तो इन बच्चों की कैसे निकले है, बाकी बच्चे क्यों परेशान है। दूसरी बात, पदों की सृजन करके पदों को बढ़ावा देना, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जब जांच कराई आरटीआई ली गई तो उसमें तो पद मंजूर किए ही नहीं, लोकल कैसे हो गए, जब पद हैं कुल मिलाकर के 90 या कितने पद हैं मंजूर, बाकी के जो 109 पद कहाँ से आ गए, क्या रिश्तेदारों के हो रहे हैं, माननीय के रिश्तेदार ले रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात आज न्यूज़ में आई है कि फैकल्टी कुछ ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उनके प्रोफेसर कहाँ जाएंगे, उन फैकल्टी में जो शिक्षा मिलती है उसके माध्यम से रोजगार सृजित किए जाएँ या इनको ख़त्म करने की मुहिम चालू हुई है, तो मेरा यही जांच का विषय और जांच भी होनी चाहिए। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो कुलाधिपति नाक इंस्पेक्शन करा के आगरा यूनिवर्सिटी को नाक एक्रेडिटेशन दिलाना चाहती हैं, इसके विरोध में हमने किए, क्योंकि यहाँ सिस्टम कोई लागू नहीं है, रिजल्ट टाइम पे आ नहीं रहे, सेशन यूनिवर्सिटी का ठीक नहीं चल रहा, कल कन्वोकेशन हुआ है, गोल्ड मेडल दिए गए हैं लेकिन बच्चों को अंक तालिका तक उनके पास नहीं है। दूसरा, जो आगरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे जो दिखा रही है कि उनके पास 203 प्रोफेसर्स हैं, 203 टीचर्स हैं, जिसमें से सेंक्शन सिर्फ 94 हैं, तो ये बाकी के कहाँ से आए, और इसमें 203 में 170 जो प्रोफेसर हैं वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हुई, क्योंकि हमारे पास कुलाधिपति का खुद का लेटर है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट पिछले 5 साल में जो भी एडवर्टीजमेंट निकले हैं वो अप्रूव नहीं है। तो और हम ये कहना चाहते हैं कि खाली अक्रेडिशन होने से शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा, जब तक कि सारी चीज़ों को पहले ठीक किया जाए। गवर्नर जी से रिक्वेस्ट है कि वो फोकस करें एजुकेशन जो सिस्टम है आगरा यूनिवर्सिटी का जो 1928 से बनी है उसको स्ट्रीमलाइन करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जब आगरा यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित करके बनी थी तो उम्मीद थी कि एक नए मानक छुएगी, संविधान निर्माता के आधार पर नाम रखा गया था, हुआ इसके विपरीत। यूनिवर्सिटी संचालकों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा किस नाम व्यक्ति से इसका नाम जुड़ा हुआ है, कितने बड़े महान नेता थे। फिलहाल इसकी यूनिवर्सिटी की स्थिति में सुधार के लिए ज़रूरी है कि सिटीजन चार्टर पैटर्न का यूनिवर्सिटी चार्टर डिक्लेयर किया जाए, जैसे कि स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से संबंधित सेवाएं उनका मानक तय हो सके, उनके प्रति विश्वास कायम हो सके। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।